ग्रेट प्रिविलेज टू स्टैंड हियर. मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई थी अंधेरीशा राजा. जैसे आप जानते हैं, हमेशा हर साल यहाँ पे दर्शन नहीं किया तो कुछ नहीं किया. सो हमेशा यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर. आई वुड लाइक टू मैं सारी जो वेंटिलेटर टीम की जो पूरी टीम है उन सबको बहुत ही ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ. आप सबको भी, आप सबके सब यहाँ पे आए. प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंस वेंटिलेटर. सो ऐसे हम सबको पता है कि हाउ प्राउड वी आर ऑफ प्रियंका चोपड़ा. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस. नॉट ओनली मी, मेरी पूरी फैमिली की सबसे अच्छी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस हैं वो. एंड ये उनका पहला मराठी प्रोडक्शन है. एंड मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो गई ये वेंटिलेटर फिल्म का जो टीज़र मैंने देखा उसको देख करके, क्योंकि ये एक कहानी है एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति की जो एक वेंटिलेटर में होता है और पूरी उसकी पूरी फैमिली जर्नी को दिखाया गया है. मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट लगा. तो ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू प्रियंका चोपड़ा एंड द एंटायर टीम ऑफ वेंटिलेटर. मुंबई में मेरी पैदाइश हुई है, चेंबूर में, तिलक नगर में. और वहां बचपन से, मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाला, तो एक ही जो त्योहार था जो मुझे अब तक याद है वो है गणेश चतुर्थी. और मैं एक, वो जो कॉलोनी थी, वो जो टाउनशिप तिलक नगर, वो एक चौल जैसी थी. तो हर बिल्डिंग में कम से कम 30 या 40 खोलियां होती थी. और उन खोलियों में तो मेरे ख्याल से कम बहुत सारे मेरे जो पड़ोसी थे वो महाराष्ट्रन थे. और मेरी पैदाश सारे जो मेरे दोस्त थे वो सारे महाराष्ट्रन थे. और उनके घर जाता था, उनके घर में गणपति होता था. तो कभी किसी आई के घर में, शोभा जी के घर में, तो उनके घर में. और जो गणपति के जो मेरे जो फेवरेट प्रसाद होते थे, करण जी मेरा फेवरेट होता था. करण जी मैं दबा के खाता था. और जो आप लोग बोलते ना यार ये डांस कैसे करता है, ये झकास कहां से आया यार, जो मैंने फिल्में की हैं, जैसे कि मैंने मशाल की, मैंने तेजाब की, मैंने रामलखन की, और जो भी मैंने जो डांस किया है वो मैंने गणपति में ही जो सीखा था वही मैं डांस करता हूं आज तक. प्रियंका जी के साथ के बारे में जितना कम, मतलब कितना बोलूं, मैंने पूरी दुनिया बात कर रही है. पहले तो हिंदुस्तान बात कर रहा था, अब पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है. शी इज बिकम अ ग्लोबल स्टार. तो ये मेरा मेरे ख्याल से इट्स ऑनर फॉर मी. एंड मेरी जो मेरी दोस्ती हुई है प्रियंका से भी हुई है, प्रियंका जी की मम्मी से भी हुई है. तो इन्होंने जब मुझे कहा कि ये फिल्म बना रही है, और इन्होंने मराठी फिल्म बनाई है, और राजेश साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और वेंटिलेटर फिल्म का नाम है. नाम सुनकर भी मैं बोला यार वेंटिलेटर है तो जाना ही पड़ेगा. ये नाम जबरदस्त है, कुछ अलग नाम है मराठी पिक्चर के लिए, तो एकदम अलग नाम है. और यू नो प्रियंका जी, उनकी मम्मी, और प्रियंका जी ऑफकोर्स आप लोगों ने दिल धड़कने तो देखी होगी. शी इज नॉट ओनली अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड अ you know and a big star but a fantastic human being also. So these are all the reasons, because of the mother, because of my friendship with Priyanka, that I am here today. And of course I am here because aaj jo hai Ganesh Chaturthi hai bhaiya, hai ki nahi? To isse bada acha mauka kya ho sakta hai ki itne acche utsav par hum ye sangeet ki udghatan kar rahe hain, is gaane ka udghatan kar rahe hain.